हेलो क्लास, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर वन कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपको चैप्टर टू पॉलीनोमियल स्टार्ट करा रही हूँ। आज मैं उसके बारे में बताऊँगी कि व्हाट इज़ पॉलीनोमियल्स। ओके, आपने इक्वेशंस वाइज तो देखी होगी कई इक्वेशंस, एक्स प्लस वाई माइनस टू एक्स वाई या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री, कुछ भी कितनी सारी इक्वेशंस होती है जो एक्स और वाई की फॉर्म में होती हैं, टी एस की फॉर्म में होती है, जिसके अंदर नंबर्स के साथ साथ ये आपको ये जो ये वेरिएबल्स दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स, एक्स वाई, कभी कभी सिर्फ ए की वेरिएबल होता है एक्स, टू एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स, इस तरीके से। सो ये एक्स है, एक्स और वाई है क्या, ये है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो वेरी करते हैं टाइम टू टाइम, वेरी यानी कि डिफर करते हैं, अलग अलग वैल्यूज आती हैं टाइम टू टाइम। अगर हम एक्स की वन वैल्यू पुट करेंगे तो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू कुछ और आएगी, अगर हम इस एक्स की वैल्यू टू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, अगर हम इसकी वैल्यू माइनस टू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी। ओके, इस तरीके से ये होते हैं वेरिएबल्स। ओके, अब मैं आपको इनके कुछ टर्म्स बताऊंगी जो बहुत ज़रूरी है पॉलीनोमियल चैप्टर समझने के लिए। ओके, अगर आपकी इक्वेशन में खाली एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन है, सिर्फ एक्स है, अब एक्स की पावर आपको पावर के बारे में बाद में बताऊंगी, लेकिन आपका वेरिएबल क्या है, ओनली एक्स, तो आप इस इक्वेशन को क्या कहोगे, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एंड इफ़ अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू वाई स्क्वायर समथिंग कुछ ऐसा है, तो आप इसमें देख लीजिए पावर चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसके अंदर वेरिएबल्स क्या है, दो, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसी तरीके से आपने ये बताना है, अगर आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे 2.1 के, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे सिर्फ यही पूछा गया है कि कौन सी इक्वेशन वन वेरिएबल है और कौन सी वन वेरिएबल नहीं है, तो वो आप इजीली बता सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो चाहे टी हो, लेकिन सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, डिसरिगार्ड ऑफ कितनी भी पावर हो हमारे पास, हाईएस्ट पावर चाहे 100 हो चाहे 10 हो चाहे एक ही पावर हो, दैट डजंट मैटर, बस वेरिएबल आपको बताने की हम। ठीक है, उसके बाद आता है कोफिशियंट। व्हाट इज कोफिशियंट, सुना है किसी ने, कोफिशियंट ऑफ वेरिएबल। अब कोफिशियंट क्या होता है, वेरिएबल का कोफिशियंट होता है, इतना पता है, यानी कि वेरिएबल के साथ का, अच्छा हमने सुना को एक्टर, को स्टूडेंट, को टीचर, इस तरीके से, को मतलब क्या होता है, उसके साथ का, तो ऐसे ही कोफिशियंट ऑफ वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के साथ का कोफिशियंट, यानी कि जो उसके साथ का नंबर है। ठीक है, अब जैसे कि आपके पास एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि 5x² - 3x + 7। ओके, अब आपको इतना पता है कि दिस इज इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन कोफिशियंट अगर आप पूछे कि व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि आपको जब अब पूछा एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, तो जिसके अंदर जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, कहाँ पे है, ये रहा, इसके साथ का कोफिशियंट यानी कि इसके साथ का नंबर, सो व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 5। साइंस को साथ में देखना है, ठीक है, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं था तो वो प्लस ही है। कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या होगा, -3, क्योंकि x के साथ आपका नंबर क्या है, -3, मैंने बोला साइन आपको साथ में लेना, इसे हम कहते हैं कोफिशियंट। अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन होती है 5x² - 3y² + 3x - 5y, ओके, तब इसके अंदर आप क्या क्या निकाल सकते हो बताओ, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर 5, कोफिशियंट ऑफ एक्स 3, कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर -3 एंड कोफिशियंट ऑफ वाई -5 निकाल सकते हो, राइट, ये तो होगी कोफिशियंट। अब आता है कॉन्स्टेंट, अब इसके अंदर आप मुझे इक्वेशन में देखा होगा ये +7 तो अलग से बच गया, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है, ये है कॉन्स्टेंट। ओके, तो कोफिशियंट होते हैं जो वेरिएबल के साथ की टर्म्स होती है, और कॉन्स्टेंट कौन सी होती है, कॉन्स्टेंट ऑफ पॉलीनोमियल जो विदाउट एनी वेरिएबल होती है, जो वेरिएबल के बिना होती है। ठीक है, जैसे अभी हम गिवन क्वेश्चन में हमारा +7 क्या था, कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब जैसे आप एक एग्जाम्पल अब लेते हैं,
वाई की पावर क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5। अब इसमें मैं कहना कि वाई नहीं है या कुछ नहीं है, वाई 3 है, स्क्वायर है, वाई कहाँ गया, कोई बात नहीं, जो भी आपको दे रखा है वेरिएबल के साथ अगर आपको कॉफिशेंट ऑफ वाई क्यूब कुछ भी नहीं है तो 1, कॉफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर 1, कॉन्स्टेंट प्लस 5, माइनस हो तो माइनस 5, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 है तो आपका कॉन्स्टेंट क्या होगा, माइनस 6, इसके अंदर प्लस 5। ओके, इस तरीके से आपने देखना है व्हाट इज। अब पॉलिनोमियल में एक चीज आपको बताती हूँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से और इनमें से पॉलिनोमियल क्या है, ये और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अब बताओ इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा, आपको सारे ये इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है, नो, पॉलिनोमियल में हमेशा ये बात होती है कि जितनी भी वेरिएबल की पावर होती है वो होल नंबर होनी चाहिए, ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पावर शुड बी ऑन, यानी कि डिग्री ऑफ एक्स या वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर, तो ये आपका पॉलिनोमियल है और ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अब आपको होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको पता है ये डिग्री का मतलब पावर होता है, ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर ये पूछा जाए इस पॉलिनोमियल की, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ये नहीं है, अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, सो हाउ विल यू से, अब देखो इसके अंदर तो 1 भी है 2 भी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ओके, अब जैसे अगर आप अगर आप अपनी एग्जाम में उसके अंदर आपको क्या दे रखा है, x की पावर 5, x की पावर 4 प्लस 3, अब इसके अंदर हाउ विल यू से, व्हाट विल यू से कि क्या है डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल, अब आपको पता होल पावर्स है तो ये पॉलिनोमियल ही है, दैट वी आर कंफर्म, तो इसके अंदर डिग्री क्या है, 4 है या 5 है, इस डिग्री इज 5, और ये और रखना कि पॉलिनोमियल की डिग्री ना फ्रैक्शन में होती है ना नेगेटिव में होती है, अगर यहाँ पे x की पावर माइनस 5 आती तो वो भी पॉलिनोमियल ना होता, हमेशा पॉजिटिव और होल नंबर होना चाहिए। ओके, तो इसी तरीके से आपकी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है इसके अंदर आपकी क्या होगी, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2 वाई की पावर 8, तो व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, 8, तो व्हाट इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अब इस तरीके से आप एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चंस कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल में आपका पॉलिनोमियल कौन सा है, अब इनमें से आप बता सकते हैं जिसके अंदर एक वेरिएबल है तो वो वेरिएबल है, और जहाँ पे अगर आपका 2 बाय वाई आ रहा है, अब ये देखो इसका 2 बाय वाई का मतलब क्या है, वाई की पावर माइनस 1, अब माइनस में पावर मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल में नहीं होती है, सो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये चीज़ ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कॉफिशियंट बताना है, दैट यू कैन ईजिली टेल, कि कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है ओनली, जहाँ पे अगर जैसे फोर्थ पार्ट में एक्स स्क्वायर नहीं है तो व्हाट इज द कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 0, क्यों, क्योंकि आपके पास एक्स स्क्वायर है नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 0 होगा, तभी तो नहीं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप कर सकते हो, राइट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल, डिग्री आप बता सकते हो, भी मैंने आपको बताया। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सकते हैं, लीनियर मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है 1, क्वाड्रेटिक यानी कि स्क्वायर होती है हाईएस्ट डिग्री, जैसे कि ये 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, अब ये वाई स्क्वायर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर आपका सिंपल होगा तो वो लीनियर होगा, और जो ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3, अब इनमें से आप वेरीफाई करके बता सकते हैं। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, और ये वाली एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करके रखिएगा। ओके, थैंक यू।